फैमिली मेंबर्स पूरे भरे हुए हैं गाड़ी में हमारे। वाह, इतना सुंदर दांत तो है, क्यों ऐसा? तो अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं एक जगह रोड साइड में, और हेलो दोस्तों, मैं जयंत यादव आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जयंत एक्सप्लोरर में स्वागत करता हूं। सो, आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज जा रहा हूं तेलंगाना स्टेट के एक वारंगल ज़िले में, मेडाराम करके एक जगह है जहां पे समक्का माता और सरलम्मा माता जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे देश में। तो आज मुझे वहां जाने का मौका मिला है और आज मैं जा रहा हूं अपने पूरे फैमिली के साथ। तो आप सभी को भी वहां लेके चलता हूं, दर्शन कराता हूं और उनके बारे में पूरा डिटेल आपको बताता हूं कि क्या कैसे है उस जगह के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और अभी मैं निकलने ही वाला हूं, ऑलमोस्ट सुबह के 9:36 हो रहा है और यहां से पहुंचने के लिए हमको लगभग सुबह 6 से 7 घंटे लगेंगे हमको वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। डीजल डलवा रहे हैं हमारी गाड़ी में और यहाँ से फिर हम बीजापुर वाला रूट लेके हम सीधा मेडाराम जाएंगे। तो हमारा रूट वही है जगदलपुर से गीदम होते हुए बीजापुर के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आपको पहुँचाते हैं हम मेडाराम। अभी हम पहुँच गए हैं भैरमगढ़ और ये हमारे रूट पे ही पड़ता है भैरमगढ़। तो अभी हम यहाँ टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, हल्का सा चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके फिर आगे निकलेंगे हमारे सफ़र की ओर। पहुँच गए हैं बीजापुर शहर और यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स लेने के लिए रुके हुए हैं और ये हमारे फैमिली मेंबर्स पूरे भरे हुए हैं गाड़ी में, हमारे आधे लोग अभी उतर गए हैं। तो बच्चों, मज़ा आ रहा है? चिल्लाओ ना। अरे तो कहाँ जा रहा है बाबू? बीजापुर। बीजापुर तो पहुँच गया, बोल रहे मेडाराम। सब जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, सब भरे पड़े हैं। अभी आगे चलते हैं। मार्केट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं कुल्हाड़ी और यहाँ पे पूरा बनाया जा रहा है बीजापुर में। अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं एक जगह रोड साइड में और ये देखो बच्चे लोग पूरा रेडी हो। भूख लग रहा है तुम लोग को? हाँ। कितना भूख लग रहा है? बहुत, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम रोड साइड में रुके हुए हैं, हमारा गाड़ी भी आगे रोड पर रख दिए हम और अभी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, लंच करने के बाद फिर आगे हम जाएंगे। और मैं इधर किनारे आया था और इस साइड रोड के किनारे बढ़िया एक नाला भी है, हम सोच रहे हैं हाथ वाथ धोने के लिए बढ़िया है यहाँ, बर्तन वर्तन धोने के लिए। और फिर रोड साइड में हम सेटअप किए हैं जहाँ वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पिकनिक भी हो गया है, फैमिली पिकनिक, और साथ में फिर हम आगे दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर करते रहना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी लंच हो गया है, आपने देखा कि हम लोग रोड साइड में एक छोटा सा पिकनिक टाइप से बना लिए, हम घर से ही खाना बना के लेके आए थे। तो अभी यहाँ से लगभग और हमारा 100 किलोमीटर के आसपास दूरी और बचा हुआ है हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो लगभग 2 से 2.5 घंटा और लग जाएगा हमको पहुँचने के लिए, फिर उसके बाद कहीं जाके हमको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो
अभी मैं गोदावरी ब्रिज के ऊपर में हूँ, गोदावरी नदी के ऊपर। ये जो ब्रिज बना है काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। बहुत ही सुंदर, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो जो आता है यहाँ पे रुकता जरूर है, क्योंकि इतना खूबसूरत सा ये जो नज़ारा है आपने अभी देखा ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक नज़र जा रहा है, इतना चौड़ा है ये नदी, गोदावरी नदी अपने एकदम बेहतरीन व्यू के साथ यहाँ पे वो वेलकम कर रहा है मेड़ाराम जाने के लिए। अभी हम ये ब्रिज में रुके हैं और सब लोग यहाँ पे मस्त फोटो खिंचा रहे हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत सा व्यू गोदावरी नदी का देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना बेहतरीन व्यू है ये गोदावरी नदी का, बहुत खूबसूरत है। जितना दूर तक देख रहे हैं उतना दूर तक ये नदी दिख रहा है, इतना चौड़ा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना चौड़ा नदी। नहीं तो हमेशा छोटा सा रहता है, कुछ मीटर्स के चौड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देख रहा हूँ इतना लगभग 1-2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक है, अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचा आप लोगों को भी ये दिखाऊं, ऐसा यूनिक चीज़, ऐसा इतना लंबा जो है व्यू आप लोग को साथ शेयर करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए भी दिखा रहा हूँ। पहुंचने वाले हैं लगभग 14-15 किलोमीटर दूरी और बचा हुआ है, और हमारा ये भांजा साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपका दांत दिख जाएगा। दांत कैसा है आपका? वाह, इतना सुंदर दांत तो है, क्यों ऐसा वो बोल रहे हो कि दांत दिख जाएगा मेरा वीडियो में? आपका नाम पार्थ है? आप कहाँ के राजा हैं? सो दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और शाम के 4:40 हुआ है, गाड़ी भी पार्क हो गया है जस्ट मंदिर के सामने। तो अभी सामान लेते हैं चढ़ावा के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है कि गुड़ चढ़ाया जाता है माता जी को, तो अभी हम गुड़ लेंगे और गुड़ लेने के बाद अभी मंदिर जाएंगे। तो मैं मंदिर के जस्ट अभी फ्रंट में हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ का व्यू है मंदिर के सामने का। इस साइड मंदिर है और ये मंदिर के सामने का एक चौक है, और इधर जगह जगह पूरा स्टॉल लगे हुए हैं पूरे साइड, और यहाँ पे एक गुड़ जैसे कि उसको मेज़र करने के लिए काटा लगा हुआ है, ये पूरा गुड़ रखा हुआ है माता को चढ़ाने के लिए। दो दे दो, दो